ऑटो शो बाय द कार मॉल। मैं हूँ शालिनी, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होंडा की अमेज। सो उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, छोटा सा बेल आइकन दबाइए। सो गाइस, आज हम बात करेंगे होंडा अमेज के बारे में। जो आप देख रहे हैं होंडा अमेज 2016 आइवाटेक मॉडल है, पेट्रोल ये जो कार चली हुई है वो 63,000 चली हुई है। सो अब हम बात करेंगे कार के फ्रंट लुक से। सो फ्रंट लुक में हम देख रहे हैं इसमें आपको मिलती है 2-in-1 ग्रिल के ऊपर, रेडिएटर के ऊपर ही आपको मिलता है सिल्वर क्रोम की फिनिशिंग एंड होंडा के लोगों के साथ काफ़ी स्मार्ट लुक दे रही है। और आप देख रहे हैं, अगर मैं कंडीशन वाइज भी देख रही हूँ तो कार दिखने में भी काफ़ी साफ़ सुथरी है, कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं है। इसी के साथ हम देख रहे हैं इसमें आपको मिलती है स्मोकी लाइट्स, हेलोजन हेडलैम्प एंड इंडिकेटर के साथ, एंड इसी के नीचे आप देख रहे हैं आपको हनी क्रोम की फिनिशिंग मिलती है। सो गाइस, आप देख रहे हैं गाड़ी का कलर ही दिखने में काफ़ी ही अच्छा है, जो कि माउसी कलर है, काफ़ी स्मोकी कलर लग रहा है, जो दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। होंडा अमेज अपने आप में एक मिनी सेडान कार कहलाई जाती है। कार के फीचर्स जानने के लिए, इंटरनल फीचर्स जानने के लिए, उससे पहले हम लेंगे कार का एक वॉक अराउंड। कार की साइड कंडीशन के बारे में तो मैं आपको दिखा देती हूँ कार की साइड कंडीशन। सो वाओ, सो कार की जो साइड कंडीशन है दिखने में बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड काफ़ी न्यू कार जैसी है। एंड इसी में, जैसा कि मैंने आपको फ्रंट में भी बताया था कि इसमें ही आपको मिलते हैं करेक्टर्स लाइन्स, उसमें आपको 2 लाइन्स यहाँ भी दी हुई है। सुंदर लग रही है कार देखने में। एंड इसी में मैं आपको बताती हूँ, इसमें आपको मिलते हैं 14 इंच के टायर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये कार 63,000 किलोमीटर चली हुई, तो न्यू टायर इंस्टॉल करने की कोई नीड नहीं है। टायर काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, आप कार अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी कलर के ही आपको इसमें ORVM मिलते हैं एंड साइड में आपको मिलता है टर्न इंडिकेटर। एंड इसी के ऊपर आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की पियानो की काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दी हुई है, जो दिखने में काफ़ी ही अट्रैक्टिव, काफ़ी ही स्मार्ट ही लुक दे रहे हैं कार को। जैसा कि ये एक मिनी सेडान कार लगती है साइड से। सो गाइस, अब हम आ गए हैं कार की बैक कंडीशन में, तो मैं आपसे बात करूंगी कार की बैक कंडीशन के बारे में। तो आप, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक अमेज एक एस मॉडल है, इसी के साथ आपको मिलती है एक अमेज की काफ़ी अच्छी सी बेजिंग। एस वेरिएंट है तो आपको उसकी भी एक बेजिंग मिलती है। इसी के साथ आप देख रहे हैं इसमें आपको होंडा की भी एक बेजिंग मिलती है और काफ़ी अच्छी क्रोम की ही आपको फिनिशिंग दी गई है। अगर मैं लाइट कंडीशन के बारे में बात करती हूँ तो लाइट की कंडीशन भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है, काफ़ी साफ़ सुथरी कंडीशन में है कार। एंड लाइट्स कहीं से भी टूटी फूटी नहीं है, कहीं से भी क्रैक नहीं है। सो बात अब हम करेंगे कार के बूट स्पेस के बारे में। सो इस कार का जो बूट स्पेस है वो 420 लीटर। सो आप देख रहे हैं गाड़ी का जो बूट स्पेस है काफ़ी ही डीप बूट स्पेस है, काफ़ी अच्छे लगेज वगैरह भी सेट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा डीप बूट स्पेस है, काफ़ी क्लीन है अंदर से। एंड गाइस, कंडीशन वाइज भी जो मैं कार देख रही हूँ वो काफ़ी ही अच्छी कंडीशन में ये कार। सो अब इस कार का जो हम फ्यूल टैंक बात करेंगे, इस कार का जो फ्यूल टैंक है वो है 35 लीटर का। ये कार जो आपको माइलेज देगी वो 17 और 18 का ऑन हाईवे। सो गाइस, अब हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर, तो मैं गाड़ी के अंदर से जो कंडीशन देख पा रही हूँ, अंदर से भी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। सो अंदर से जो कंडीशन आप देख रहे हैं, ब्लैक कलर का इसमें आपको डैशबोर्ड दे रखा है, इसी में ही आपको सिल्वर कलर की काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दी हुई है। एयरबैग्स के सेफ्टी फीचर्स की बात करती हूँ तो इसमें आपको 2 एयरबैग्स भी मिलते हैं एंड ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड। अगर मैं सीट कंडीशन देख रही हूँ तो सीट कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी तरीके से इस पर लेदर की सीट्स है, जो बहुत ही दिखने में काफ़ी न्यू ब्रांड कार शो कर रही है ये। सो अब हम बात करेंगे कार के फीचर्स के बारे में। सो गाइस, अब हम बात करेंगे कार के स्टेयरिंग के बारे में, तो मैं आपको बता देती हूँ कार का जो स्टेयरिंग है वो काफ़ी अच्छी कंडीशन है। इसमें जो काफ़ी अच्छी ग्रिपिंग दी हुई है, थंब इम्प्रेशंस दिए हुए हैं, जिससे कि स्टेयरिंग काफ़ी स्मूथली है। एंड इसी के साइड में मैं बात कर रही हूँ उसके मोड्स के बारे में, तो आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के बटन्स दिए हुए हैं। इसी साइड में आपका एम्पिटी है एंड बीच में आपको मिलता है हॉर्न, जो काफ़ी अच्छी कंडीशन में भी है, तो स्टेयरिंग भी लुक वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड इसी के साइड में अगर मैं फ्रंट में इसके सेंटर कंसोल की बात करती हूँ, तो कंसोल वाइज भी गाड़ी काफ़ी ही वुड एंड ब्लैक कलर का जो इसमें मोड दिया हुआ है वो काफ़ी ही अच्छी कंडीशन में है। 2 कलर्स में है ये कार। एंड अगर मैं फ्रंट सेंटर पे बात करती हूँ तो इसमें आप देख सकते हैं आपको ऑन ऑफ के बटन, काफ़ी अच्छे मोड्स बटन दिए हुए हैं AC वगैरह के। एंड इसमें आपको FM भी मिलता है विथ पियानो फिनिशिंग के साथ। एंड इसी के नीचे मैं आती हूँ, इसमें आपको एक आप होल्डर कह सकते हैं इसको, तो इसमें आप अपने कुछ कॉइन्स वगैरह या मोबाइल वगैरह भी रख सकते हैं। एंड इसी के नीचे आपको मिलता है एक 12 वोल्ट का चार्जर एंड USB केबल।
टू बॉटल्स होल्डर भी इसमें आपको मिलती है। सो अगर मैं इसके साइड में ही देख रही हूँ, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग भी दी हुई है कार के अंदर, सिल्वर फिनिशिंग के साथ है। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये कार चली हुई है 63,000 किलोमीटर, जो कि बहुत ही कम किलोमीटर ये कार चली हुई है। कार चलने में काफ़ी ही स्मूथ, काफ़ी ही डिसेंट चल रही है ये कार, तो कहीं से ये लगी नहीं रही है। ये एक सेकेंड हैंड कार है, तो आप कार को काफ़ी अच्छे से, मैं आपको कंडीशन भी मैंने आपको दिखाई है। सो ये कंडीशन वाइज जो कार है, काफ़ी ही एक्सीलेंट कंडीशन में है ये कार। सीरियसली कार के अंदर बैठने में इतना अच्छा टेबल मुझे फील हो रहा है, काफ़ी अच्छा लेग रूम, काफ़ी अच्छा हेडरूम है कार के अंदर। और सीरियसली मैं कंडीशन वाइज तो आपको क्या बताऊं कि मतलब कंडीशन दिख ही रही है सामने से कि कंडीशन वाइज गाड़ी कितनी अच्छी है, बिल्कुल साफ सुथरी, एकदम नीट एंड क्लीन, कहीं से भी कोई दाग धब्बा वगैरह नहीं है। तो कार जो है वो बैठने में काफ़ी कंफर्टेबल है, और मैं जैसा कि बैठ पा रही हूँ तो सीरियसली मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, कंफर्ट लग रही है ये कार। सो अंदर से हम देख रहे हैं इंटीरियर वाइज भी काफ़ी अच्छी है, सुंदर इंटीरियर है, ब्लैक कलर का आपको फिनिशिंग दी हुई है। साइड में भी आप अपना कुछ सामान रख सकते हैं, लाइक कॉइन्स या कुछ भी आप अपना रख सकते हैं। एंड वाटर बॉटल के लिए भी आपको स्पेस दिया हुआ है, जो कि दोनों साइड दी हुई है। एंड बैक में भी आपको सीट के पीछे हम देख रहे हैं स्पेसफुल है, कुछ सामान या अपनी फाइल्स वगैरह भी आप इसके पीछे रख सकते हैं। सो गाइस, अब तक हमने बात करी थी कार की कंडीशन और इंटरनल फीचर्स के बारे में, अब मैं आपको बताऊंगी इस कार का प्राइस। तो ये कार जो है वो है 4,85,000 के, यानी कि 4,85,000 रुपए। सो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको ये मेरी कार की वीडियो पसंद आई हो, ये ब्लॉग पसंद आया, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, छोटा सा बेल आइकन दबाइए और हमारी इस वीडियो को लाइक करते रहिए। और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको न्यू अमेज कार में जाना है, अगर ओल्ड कार आपको पसंद नहीं है या फिर न्यू अमेज में जाना, तो आपको बता देती हूं हमारे पास है अमेज 2019। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए कार के प्राइस के लिए और हमें कॉल कीजिए। एंड इसके अलावा हमारे पास होंडा सिटी एंड काफी अच्छी कार्स अवेलेबल हैं द कार मॉल। एंड मैं आपको एक अच्छे से न्यूज दे देती हूं, अगर आप कार मॉल से कोई भी कार परचेज करते हैं तो आपको मिलेगी 2 सर्विसेज कूपन फ्री। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।